रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम बनाए वो भी घर पे विदाउट कुकर, ना कोई क्रीम ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाले। आइए देखते हैं कैसे बनाते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मटर मशरूम का सब्जी, जो कि फ्रेंड्स बनाने में काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती है कि कैसे बनाएं, कुकर में बनाएं, कढ़ाई में जल्दी बन नहीं पाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियोज़ में आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम की सब्जी कैसे बना सकते हैं, ये सारा प्रोसेस वन बाय वन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को अक्सर ये समस्या होती है कि मशरूम की सब्जी में काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग कटिंग करनी पड़ेगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को बिना चॉपिंग के आज मैं ये मशरूम की सब्जी बता रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना मटर मशरूम। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक फ्राई पैन या कढ़ाई ले लेंगे। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। 3-4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 8-10 कली लहसुन की और 1/2 इंच अदरक। इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, सेलो फ्राई करना है, इसे हमें डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं इस तरह से रफली मोटा मोटा चॉप कर ली थी फ्रेंड्स। इसे हमें हल्का भूनना है, इसे हमें बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्याज के जो पत्ते हैं आपस में अलग हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से सेलो फ्राई हो चुका। इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैं रफली चॉप कर ली थी। इसे भी हमें इसके साथ भूनना है। ये इसे हमें जब तक भूनना है तब तक ये मसाला जो हमारा टमाटर है बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। पकने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बिल्कुल 2 पिंच नमक, जिससे ये जो हमारा टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे सॉफ्ट करना है। 2-3 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे ये प्रोसेस करें, हमारा टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, काफ़ी अच्छे से ये मैश हो जा रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब इस स्टेज पे हम फ्रेंड्स यहाँ कर देंगे गैस ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा, आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। हम यहाँ ले लिए हैं फ्रेंड्स मशरूम, इसे मैं अच्छे से बिल्कुल वॉश कर ली हूँ। 3-4 टाइम आप इसे अच्छे से धोएं, क्योंकि इसमें मिट्टियाँ ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से हमें धोना है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप मशरूम का जो ये पीछे का भाग होता है ना फ्रेंड्स, इसे कट करके आप पटा दें, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होता है तो ये जल्दी पकता नहीं है, और इसलिए हम इसे काट करके अलग रख देते हैं, मतलब इसे हमें फेंकना होता है। अब इस तरीके से आप जो बड़े मशरूम होते हैं उसे 4 भाग में इस तरह से ऐसे कट कर लें, 4 पार्ट्स में, और जो छोटे मशरूम होते हैं उसे आपको 2 पार्ट्स में इस तरह से बीच से कट करना है, इस तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि बड़े को 4 पार्ट्स में और छोटे वाले को 2 पार्ट्स में आपको इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड्स, ऐसे देख सकते हैं। सारे मशरूम को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से जो प्याज और टमाटर का पेस्ट था वो अच्छे से तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इसका हमें पानी डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करना है। सेम कढ़ाई में हमें ऑयल ऐड कर देना है। 4-5 टेबल स्पून हम यहाँ ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हम यहाँ कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 लौंग, 1 तेज़पात, 1 सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और 1/2 टेबल स्पून जीरा, ये सारे खड़े मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही ये अच्छे से चटकने लग जाए, इस तरीके से हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये जैसे अच्छे से चटकने लग जाए, मतलब जीरा अच्छे से पक जाए फ्रेंड्स, हल्का ब्राउन हो जाए, बिल्कुल हमें जलाना नहीं है, उस स्टेज पे यहाँ हम प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैं यहाँ बारीक चॉप कर ली थी, ये ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे।
जैसे ही प्याज इस तरीके से भुनना है फ्रेंड्स, इसे हमें सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का भूनना है इसे हमें प्याज को। हल्का सुनहरा कलर आने तक इस प्याज को हमें अच्छे से बिल्कुल भून लेना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ प्याज हमारा अच्छा से भून चुका है। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे हमारा प्याज और टमाटर का जो प्यूरी था, ये अच्छे से मैं यहाँ फाइन पेस्ट बनाकर रेडी रखी हूँ, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। इसे हम इस स्टेज पे यहाँ पे कर देंगे ऐड। अब इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दे फ्रेंड्स, जार को अच्छे से धोकर, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो हमारा मसाला। इस तरीके से यहाँ हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स हमारे मसाले भुने हुए हैं, भुनने के बाद ही हम इसका पेस्ट बनाए थे, इसलिए अब हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक। आप टेस्ट अकॉर्डिंग अपने यहाँ नमक ऐड कर दें। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून ऐड की हूँ। साथ ही ऐड कर देंगे हम यहाँ हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स काश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। आप चाहे तो रेगुलर मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट काश्मीरी लाल मिर्च से फ्रेंड कलर काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। हमें इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है, इसलिए हम ये सारे प्रोसेस यूज़ किए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंटों में भी फ्रेंड्स या तो कलर का यूज़ किया जाता है अच्छे दिखने के लिए सब्जी को, या तो फिर काश्मीरी लाल मिर्च का। तो इसलिए हम कलर का यूज़ ना करके यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किए हैं। देख सकते हैं हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल छोड़ चुका है हमारा मसाला, और कलर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे 1/2 कप मटर, और इसे हमें 2 मिनट तक भुनना है, ताकि ये जो मसाला है उसके साथ हमारा मटर अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए और हल्का सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स जो मशरूम कट करके रखे थे, ये सारे मशरूम भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, भूनते ही आपका जो मशरूम है ना हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मशरूम पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मसाले और मशरूम और मटर सब आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हल्का हमारा जो मशरूम है वो पक भी चुका है, इसे अभी 1/4 ही पका है हमारा मशरूम, इसलिए इस स्टेज पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी। हम यहाँ पे फ्रेंड्स 1 कप के लगभग पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी हो तो आप 1.5 कप भी यूज़ कर सकते हैं पानी का, बट मैं यहाँ इसे नान के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं पानी की क्वांटिटी कम ही रख रही हूँ, मैं ग्रेवी नहीं रखूँगी इसमें। और अब इस स्टेज पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगा देंगे, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, ताकि ये जो मसाला है और मशरूम मटर आपस में बिल्कुल अच्छे से पानी में घुल जाए। अब यहाँ पे लेड लगा करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। आफ्टर 3-4 मिनट बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा यहाँ सब्जी बनकर रेडी है मटर मशरूम की। इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, और हमारा मटर मशरूम रेडी। गैस का फ्लेम यहाँ कर दे ऑफ, और इसे गर्मा गर्म कर ले आप सर्व। देख सकते हैं फ्रेंड्स गर्मा गर्म कोई भी सब्जी हो, कोई भी रोटी हो, या नान हो, या पराठे हो, गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ज़्यादा टेस्ट आता है, और ठंड के दिनों में तो अक्सर खाना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। अब इसे फ्रेंड्स मैं सर्व कर लूँगी नान के साथ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और हाँ वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर ज़रूर करें। ये है फ्रेंड्स नान जो मैं घर पे बनाई हूँ, वो भी गेहूँ के आटे से, बिल्कुल भी मैं इसमें मैदा मिक्स नहीं की हूँ। अगर इस नान की रेसिपी आप लोगों को देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट नान आप गेहूँ के आटे से घर पर बना सकते हैं, और बच्चों को हेल्दी भी खिला सकते हैं, क्योंकि मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और गेहूँ हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स
खाना झटपट बनने वाला ये हमारा मटर मशरूम का सब्जी। मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के अच्छे और यूनिक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।